आशा संगिनियों का धरना प्रदर्शन, जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। जनपद अम्बेडकर नगर आशा संगिनियों ने लंबित भुगतान के लिए जिलाधिकारी अम्बेडकर नगर को ज्ञापन सौंपा। आशा संगिनियों ने आरोप लगाया कि बार बार समय लेने के बाद भी मानदेय भुगतान नहीं किया जा रहा है। भुगतान न होने पर 21 दिसंबर 2022 से कार्य बहिष्कार, CSC PSC पर ताला बंद करके सारे कार्य बाधित होंगे, जिसके जिम्मेदार मुख्य चिकित्साधिकारी अम्बेडकर नगर खुद होंगे। प्रमुख रूप से माधुरी सिंह, शांति वर्मा, गीता सिंह, साधना सिंह, अनीता यादव, गायत्री देवी, मीरा वर्मा, सुनीता, विनोद कुमारी आदि संगनी मौजूद रही। देखिए यह रिपोर्ट। मेरा नाम मीरा सिंह, मैं आशा संगनी कर्मचारी संगठन उत्तर प्रदेश अम्बेडकर नगर में जिला संरक्षक के पद पर हूँ और इस टाइम प्रदेश में 56 जिलों ने मुझे चुना है प्रदेश अध्यक्ष। और आज तो मैं एक संरक्षक की हैसियत से यहाँ उपस्थित हूँ। जिले में भुगतान की बहुत बड़ी समस्या है आशा और आशा संगिनी की। कैसा भुगतान? जैसे जो भी हम लोग काम करते हैं, हमारे किए गए कार्यों का जो भुगतान होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। जब हम CMO साहब से मिलते हैं तो वो डैम का हवाला देते हैं, जब हम DM साहब से मिलते हैं तो वो भी डैम का हवाला देते हैं। आज मैं ये पूछने आई हूँ कि महोदय, जो आप लोग हमसे काम करवा रहे हैं, बार बार हमसे हमेशा की रिपोर्ट मांग रहे हैं, और क्या हम लोग फ्री में सारे काम करेंगे? जो काम हमने किया है उतना पूरा हमारा भुगतान आप लोग करवा दीजिए, और नहीं तो 21 तारीख से हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। सभी CSC PSC में तालाबंद होगा, सभी आशाएं कार्य बहिष्कार पर होगी। मैं देखती हूँ कैसे काम होगा, और आप लोग को जरा सी दया भी नहीं आ रही है कि हम लोगों के थोड़े थोड़े पैसे मिलते हैं वो भी आप लोग रोक करके बैठे हुए हैं। मैं पूछती हूँ कि डैम क्या इतने बड़े अधिकारी हो गए हैं CMO साहब आपसे बड़े हैं, या DM साहब से बड़े हैं डैम, या आप लोगों के कलम में ताकत नहीं है उसके लिए? डैम नहीं सुन रहे हैं तो क्या हम खाए बिना मर जाएं, हम आशा और आशा संगिनी बहने? आज यही चीज़ मैं पूछने के लिए उपस्थित हुई हूँ। और कौन कौन सी और आपकी मांगे? जैसे राज्य बजट, राज्य सरकार ने जो 1 जनवरी 2022 से 1500 रुपये किया हुआ बढ़ा करके हम लोग का, 247 बहनों का आज तक वो भी नहीं मिला, और 247 के अलावा मार्च तक का भुगतान ये हुआ है सबका, और मार्च के बाद से इधर अभी भी भुगतान नहीं हुआ है। और जो हम डेली काम करते हैं वो भी हमारा भुगतान 2-3 महीने का हुआ है और आधा अधूरा हुआ है। जब हम लोग सड़क पे उतरते हैं तब हम लोगों का आधा अधूरा कुछ भुगतान हो जाता है, नहीं तो वो भी भुगतान नहीं होता है। हम लोग बहुत पीड़ित हैं इस मैटर को लेकर के, और अगर अभी कोई रिपोर्ट हमसे मांगी जाए, जरा सा हम पीछे होते हैं तो हमसे स्पष्टीकरण मांगा जाता है, निकाल बाहर करने की धमकी दी जाती है। आज मैं DM साहब और CMO साहब से पूछूंगी आप क्या स्पष्टीकरण देंगे मुझे इसका, इसको बताइए।